दुकान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिक्सेल लैब से कैसे हम थंबनेल बना सकते हैं और कैसे हम थंबनेल जो बनाए हैं उसे अपने वीडियोज में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने जो अपना पिक्सेल लैब ऐप था उसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर आप YouTube के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो थ्री बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसमें चूज कर लेना है यहाँ पे इमेज साइज, ठीक है ना। इमेज साइज पे एक बार क्लिक करना है। इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद आप अगर YouTube के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करके और यहाँ पे आपको चूज कर लेना है YouTube थंबनेल, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से इस टेक्स्ट में आप चाहे तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्पलेट्स जो बना हुआ है इसमें उसे आप यूज कर सकते हैं या नहीं, तो जैसे इस पर आप यूज कर सकते हैं, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप इसका जो प्रीव्यू कलर है उससे भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से कलर लगा के देखिए कैसे, यहाँ पे आपको ऐसे थोड़े के स्लाइड करने के बाद आपको इस यहाँ पे ऑप्शन है मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर चूज कर लेना है, कलर व्हाइट जैसे चाहिए व्हाइट पे क्लिक कर देना है। अब इसका जो फिर इमेज साइज था, इमेज साइज इसका जो कस्टम था तो इसे हम यूट्यूब थंबनेल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लिए, उसके बाद से इमेज साइज जो है उसके बाद से यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल कर लेते हैं। तो यूट्यूब थंबनेल के लिए मेरा जो था वो आ गया। अब जो टेक्स्ट जो भी हमको इसमें लिखना है डबल टैप इस पर करेंगे और टेक्स्ट जो है उसे हटा देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमको लिखना है वो लिख सकते हैं हम, जैसे पिक्सेल लैब से थंबनेल, ठीक है, डन कर देते हैं। डन के बाद ओके कर देते हैं, इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। अब चलिए इसके बाद से इसे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके, टेक्स्ट पे क्लिक करके थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद से इसे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या फिर इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, कलर में जैसे वाइट कलर में या फिर रेड कलर में जैसे भी चाहिए वैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रोटेट कर सकते हैं इसे, जितने एंगल पर चाहिए वैसे हम रोटेट कर सकते हैं, जितने एंगल पर चाहिए उतने एंगल पर, ठीक है। तो हमको तो इसमें रोटेशन नहीं लगाना है, चलिए जितने भी था उतने पर लगा देते हैं इसे। इसमें अगर हमको कुछ ऐड करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और न्यू, यहाँ पे जो है न्यू टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, उस पर हमको एक बार क्लिक करना है, लिख लेते हैं, तब देख रहे हैं बहुत ही फास्ट हम लिख पा रहे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है, चाहे थोड़ा सा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिंक दे दूँगा, ठीक है। डन पे क्लिक कर दिए, उसके बाद बता देना है यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट करके इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देना है, ठीक है। टेक्स्ट साइज बढ़ा दिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे बढ़ा दिए, ठीक है। अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसका हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे जो कलर है इसका चेंज कर देते हैं, पहले कलर अपडेट कर देते हैं। उसके अलावा इसका हम बोल्ड कर देते हैं, इसे बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, इसे भी पहले अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड स्टाइल पर क्लिक करके अंडरलाइन कर देते हैं इसे। अब इसके अलावा अगर हम और एडिट करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड इसे इनेबल कर देते हैं, ठीक है। इनेबल करने के बाद जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं वहीं से, जहाँ पर अभी हमने टेक्स्ट बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लगा सकते हैं पिक्सेल लैब से थंबनेल कैसे बनाया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर और भी कुछ, यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज करना है इस पर क्लिक करके भिगना एडिट सब लगा सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं इसे, ठीक है। जो भी कलर चाहिए आपको, व्हाइट में चाहिए तो व्हाइट में लगा सकते थे, रेड में चाहिए तो रेड में लगा सकते थे, जो भी कलर या फिर नहीं चाहिए तो इसे डिसेबल कर देते हैं। कंट्रास्ट आप इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कंट्रास्ट बढ़ा, ब्राइटनेस आप इसका बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा इसका ह्यू देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जो रेड जैसा लग रहा है कि नीचे से आ रहा है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा है यहाँ पे स्ट्राइप, स्ट्राइप को इनेबल करने पर लग रहा है कि स्ट्राइप जैसा वैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी इसमें सैचुरेशन है, इसको सैचुरेशन को बढ़ा घटा सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करना हो तो कैसे आप इमेज इंसर्ट करेंगे, सीधे आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पर, नहीं
इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट इमेज लिख रहा है, एक्सपोर्ट इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। कहाँ से इमेज, एक मिनट, यहाँ से नहीं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, कैमरा से यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से आप चाहे तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते थे। तो गैलरी पे आप क्लिक कीजिएगा एक बार, तो आपके पास कुछ ऐसा ही इमेज आएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड्स में जैसे भी जहाँ से भी चाहे अपना इमेज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जो भी इमेज आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद आप इसे इसका साइज बढ़ा घटा सकते थे, बड़ा से घटा सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कमेंट हो तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात एक सेव कैसे करते हैं इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सेव बटन दिखाई देता होगा, ठीक है। यहाँ पे सेव बटन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट के पे एक बार क्लिक कर दीजिए या फिर सेव इमेज पे, तो आप सेव इमेज पे एक बार क्लिक कर दीजिए जो मेरा, और यहाँ पे था जेपीजी में फॉर्मेट कस्टम कितना हाइट में, उसके बाद से यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दीजिए, जो मेरा इमेज था गैलरी में मेरा सेव हो गया, ठीक है। तो यहीं था दोस्तों मेरा वीडियो। चलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।